चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद अब चंद्रयान 3 ने अपना काम शुरू कर दिया है। पहले विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने चांद के साउथ पोल की तस्वीरें साझा की। इन फोटोज में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाया गया है। वहीं लैंडर की चांद पर उतरने के बाद उसके साथ की परछाई भी दिखाई दी। इन तस्वीरों से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशी मीडिया में भी तहलका मच गया। ये पहली बार था कि चांद के दक्षिणी हिस्से को देखा गया हो। अभी ये तस्वीरें सुर्खियां बटोर ही रही थी कि अब चांद से दो नए वीडियो भी सामने आ गए हैं। जी हां, इसरो ने दो वीडियो जारी किए हैं। पहला वीडियो चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का है। ये वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा है। इसमें चांद का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। 2:17 के इस वीडियो में चांद की सतह पर शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखा। पास पहुंचते ही वहां गड्ढे नजर आए। और दूसरा वीडियो लैंडर विक्रम से प्रज्ञान रोवर के निकलने का है। ये वीडियो आज सुबह ही इसरो ने जारी किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार रोवर प्रज्ञान धीमे धीमे शेर की चाल की तरह लैंडर विक्रम से निकल रहा है। चंद्रमा पर धूल जमते ही प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आ गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद ये 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में प्रज्ञान को चांद पर भारत की पहचान अशोक चिन्ह की छाप छोड़ते भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की थी। इसरो ने ट्वीट कर कहा था कि रोवर प्रज्ञान की सभी एक्टिविटीज तय समय पर हो रही हैं। पूरा सिस्टम नॉर्मल है। लैंडर मॉड्यूल, पेलोड, ISA, रंभा और चेस्टे चालू हो गए हैं। रोवर चलने लगा है। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। ये 1 cm/s की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल करता है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब 0.5 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।